हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पार्ट थर्ड में क्या बोल रहा है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, ठीक है, और फिर उसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसे रूही ट्रेवल कर रही है पार्टली बाय बस एंड पार्टली बाय ट्रेन। तो जब ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल करना है 60 किलोमीटर, उस केस में टोटल टाइम 4 आवर्स आ रहा है, और अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है और रिमेनिंग बाय बस ट्रेवल करना है तो 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो हमें ट्रेन और बस की स्पीड फाइंड करना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी यू किलोमीटर पर आवर एंड वी किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए टाइम दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है और स्पीड हमने अज्यूम किया। तो जैसा कि आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हम जानते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो हम क्या करेंगे, दोनों इंफॉर्मेशन जो दिए हुए हैं इस इक्वेशंस में फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। और दो इक्वेशंस हम फ्रेम करेंगे वैसे। Therefore, as per given information, pair of equations formed are ठीक है, क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड, हम किलोमीटर पर आवर में यू लिए हैं, यू प्लस। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 माइनस 60, और ये डिस्टेंस बस से ट्रेवल हो रहा है और बस की स्पीड है अभी, कितने टाइम लग रहे हैं दोनों मिलाकर, 4 आवर्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 60 बाय यू प्लस 240 बाय वी इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जब 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल हो रहा है उस समय 10 मिनट ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो इस केस में हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय यू प्लस 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाय वी इक्वल टू 4 आवर प्लस 10 मिनट। तो 10 को भी आवर में हम कन्वर्ट कर लेंगे 60 से डिवाइड करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 25 बाय 6। चलिए ये हो गया 100 बाय यू प्लस 200 डिवाइडेड बाय वी इक्वल टू 25 बाय 6। अब देखिए दो इक्वेशंस हमें मिल गए, बट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों हमारे इक्वेशंस जो हैं लीनियर इक्वेशंस नहीं हैं, ठीक है। और अगर हम 1 बाय यू को एज्यूम कर लेते हैं एक्स और 1 बाय वी को वाई, ठीक है, तो हमारे जो इक्वेशंस 1 एंड 2 हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे लीनियर इक्वेशंस में। चलिए लेट 1 बाय यू इक्वल टू एक्स एंड 1 बाय वी इक्वल टू वाई, देन Equations 1 and 2, 1 and 2 will become sixty x plus 240 y
इक्वल टू 4, और इसे हम डिवाइड कर दें अगर 4 से दोनों साइड, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 15x प्लस 60y इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 100x प्लस 200y इक्वल टू 25/6, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 8, और ये 25 4 तो 1/24। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस हो गए, हम इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या करते हैं, x को जो है y के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो ये 1/24 माइनस 2y, ये हो गया हमारा इक्वेशन 5, और ये जो x की वैल्यू आई है y के टर्म में, इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, तो 15 इंटू 1/24 माइनस 2y प्लस 60y इक्वल टू 1, ठीक है। तो एलसीएम लेकर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 15 इंटू 1 माइनस 48y प्लस 1440y इक्वल टू 24, तो ये आ गया हमारा 15 माइनस 720y प्लस 1440y इक्वल टू 24, और ये हो गया हमारा 720y इक्वल टू 9, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई 1/80, ठीक है। चलिए y की वैल्यू मिल गई, अब हम क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जो हमारी y की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 5 में। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, तो वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 1/24 माइनस 2 इंटू 1/80, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 माइनस 3/120, ठीक है, तो 2/120 मीन्स 1/60 हो गया, तो यहां से x इक्वल टू 1/60, ठीक है। अब तो हमें x और y मिल गए, बट हमें x y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें u एंड v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे x को 1/u से और y को 1/v से, रिप्लेसिंग x बाय 1/u एंड y बाय 1/v, ठीक है। तो x हो गया हमारा 1/u इक्वल टू 1/60, और यहां से x इक्वल टू u इक्वल टू 60 आ जाएगा, तो u हो गया हमारा 60। सिमिलरली y इक्वल टू 1/v, और ये की वैल्यू है 1/80, तो यहां से हमें v की वैल्यू मिल गई 80, ठीक है। और u क्या है, u हमारी ट्रेन की स्पीड है और v बस की स्पीड है, हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज u इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज v इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स।
थैंक यू।